जी हिंद दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2019 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैं आपको इसमें आपके कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप लगातार मेरी वीडियो देख रहे हो जो कि मैं बिहार जीविका से रिलेटेड डाल रहा हूँ, तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि जिन पोस्ट का एडमिट कार्ड जारी किया गया था और जिनका एग्ज़ाम 13 से 16 जून के बीच होना था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। अब इसके बाद उन्हीं वीडियो के ऊपर आप लोग कमेंट कर रहे हो कि सर हमें बताइए, आपने बोला था कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का एडमिट कार्ड 12-13 जून को जारी हो जाएगा, पर वो अभी तक नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तो आप देख लीजिए जिन पोस्ट का एडमिट कार्ड जारी हो गया था और ये भी तय हो गया था कि इस दिन इनका एग्ज़ाम होगा, अभी तो उनका ही एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो अब आप ये बताइए कि मैं कैसे आपको ये बता दूं कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों और जो जिन पोस्ट का ये एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया है ये भी अनिश्चित काल के लिए किया गया है, यानी कि इन्होंने ये भी नहीं बताया है कि हम 8 दिन बाद या 10 दिन बाद या फिर 5 दिन बाद आपको अपडेट दे देंगे कि आपका एग्ज़ाम इन पोस्ट का कब होगा। इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि फर्दर नोटिफिकेशन, यानी कि जब तक इनका अगला नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक के लिए रद्द है। अब वो चाहे 10 दिन लगाए चाहे 20 दिन लगाए वो उनके ऊपर है, वो इसमें कितना भी समय ले सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही जो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर बताइए एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा एरिया कोऑर्डिनेटर का, हम बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं भी आपके साथ साथ वेट कर रहा हूं ताकि जो लोगों को परेशानी हो रही है इस वजह से उनको उनका एडमिट कार्ड मिल जाए। और जो उनके ऊपर एक बोझ बना हुआ है जब तक एडमिट एग्ज़ाम नहीं होता आपको एक परेशानी बनी हुई है, वो परेशानी आपकी ख़त्म हो जाए जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो। इसी वजह से मैं आपके लिए छोटे से छोटे अपडेट लेकर के आ रहा हूँ, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपको जल्द ही अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और इस बार मैं दुआ करूंगा कि आपको कोई भी परेशानी ना आए और जो बिहार जीविका का सिस्टम है इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए और ये एक बार अनाउंस करने के बाद आपका एग्जाम कराकर ही माने, तो मैं यही दुआ करूंगा। और साथ ही जैसे ही अपडेट आएगा इसके बारे में कुछ भी वो तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ। और यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ, एक दो कैंडिडेट्स के मुझे सवाल आए हैं कि सर हमने अप्लाई तो किया है पर हम पोस्ट भूल गए कि हमने कौन सी पोस्ट पर अप्लाई किया है। तो आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे यहाँ पर दिया गया है ट्रैक योर एप्लीकेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना BRLPSC के बाद में जो नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो कि आपने फॉर्म फिल करते समय यूज की थी, और मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपने फॉर्म फिल करते समय यूज की थी। इसके बाद जैसे ही आप चेक रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा जिसमें कि आपको ये भी दिया गया होगा कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो जिन दोस्तों का सवाल था आप ये जानकारी चेक कर लीजिए और अपना पता कर लीजिए कि आपने कौन सी पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है, और जो बाकी की जानकारी है वो मैं आपको देते रहूंगा इसी प्रकार से। बस यही था, मुझे आपको अपने विचार बताने थे क्योंकि मैं उन सभी कमेंट्स पर बार बार रिप्लाई नहीं कर सकता कि आपका एग्ज़ाम इस वजह से कैंसिल हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो के माध्यम से ही बता दिया जाए, आपको जल्द ही अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, तो बस आप वेट करते रहिए जैसा कि आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, और शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँचे जो लोग इसका वेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमें भी उसके बारे में कोई अपडेट दे। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ में, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, इसलिए आप प्रेस जरूर कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।